उसने कहा कि मैं दादा के पास जा रही हूँ, उन्हें प्रणाम करूंगी तो मेरा सौभाग्य अखंड हो जाएगा। भगवान ने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है बहन, लेकिन ये वरदान, सौभाग्य का वरदान, ये क्या आधी रात को ही लेना जरूरी है? सुबह सुबह चले जाना। भले घर की कुलीन स्त्रियां अर्ध रात्रि को ऐसे अकेले कहीं नहीं जाती। ठीक है तुम अपने दादाजी के पास जा रही हो, लेकिन लोग देखेंगे तो क्या, उन्हें क्या पता कि दादा के पास जा रही हो? ये ठीक नहीं, तुम जाओ सुबह जाना। वो बात मान गई, बोले ठीक है भैया। आधी रात को श्री कृष्ण परमात्मा द्रौपदी के पास गए, धीरे से उसके पांव का अंगूठा पकड़ के हिलाया। द्रौपदी उठी, चुपचाप उसको बाहर आने को कहा। बाहर आई, भगवान ने कहा देख द्रौपदी तेरी एक आदत खराब है, तू बोलती बहुत है। मैं